है फ्रेंड्स, वेलकम टू माला कुकिंग। और आज मैं आपसे साथ शेयर कर रही हूँ संदेश बनाने की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अपने चैनल पर नए हो तो जितने कलर बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ में 1 लीटर दूध लिया है। ये प्योर गाय का दूध है। इसके लिए आप पैकेट का दूध ना यूज़ कीजिए। तो इसे मैं पहले बॉईल करूँगी। इसके तो देखिए, इसमें अच्छे तरह से बॉईल आ गए हैं। तो देखिए, हमारे दूध में बॉइल्ड आ गया है। इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे। हमें इसी तरह से चलाते रहना है और गैस का फ्लेम एकदम हाई कर रखना है। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो दूध बॉइल्ड होकर वो गिर सकता है, इसीलिए हम इस तरह से चलाते रहेंगे इसे। तो देखिए, इसे जलाते जलाते ये जल चुका है। देखिए एकदम, तब मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसका देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। तो मैं इसमें 100 ग्राम के करीब चीनी डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूंगी इस तरह से, अच्छी तरह से। तो देखिए, इसकी चीनी घुल चुकी है। तो अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो इसे मैं उतार लूंगी। तो देखिए, ये ठंडा हो चुका है। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो इसे एक बार इस तरह हाथों से मसल देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से करके इसी तरह से इसे मसल देने से। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मसल दिया है और ये एक अच्छा डो जैसा बन चुका है। तो अब इसके छोटे छोटे हम बोल्स बनाएंगे। इस तरह साइज के हम बोल्स लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से करके इसके बोल्स बना लेंगे और इस तरह हाथों से दबा देंगे इस तरह से। और इसे एक अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें एक ड्राई फ्रूट लगाऊंगी इस तरह से, और टूटी फूटी इस तरह से। इस तरह से मैं सारे पहले बना लूंगी। तो देखिए, मैंने सारे बना लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे इसके लुक आ रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं नारियल का बुरादा इस तरह से थोड़ा लगा दूंगी इस तरह से। ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।